रामनवमी के पावन अवसर पर रघुवंशी समाज द्वारा भव्य श्री राम रथ यात्रा का आयोजन। श्री राम रथ यात्रा 30 मार्च को दोपहर 12 बजे रघुवंशी कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर से प्रारंभ होगी। आप सभी धर्म प्रेमी जनता सादर आमंत्रित हैं। निवेदक श्री राम जन्मोत्सव समिति इंदौर, सौजन्य से अभिषेक रघुवंशी मित्र मंडल। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू के द्वारा किए गए करोड़ों रुपए के घोटाले के अपराध में अब डीसीपी राजेश सिंह ने एक एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। इस केस की जांच एसआईटी टीम अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं पुलिस की टीम आरोपी बाबू के बैंक खातों की जांच करेगी। बैंक खातों को भी सीज कर दिया गया है, जिसमें कितना रुपया रखा है इसकी जाँच की जाएगी। साथ ही आरोपियों की प्रॉपर्टी की भी जानकारी पुलिस निकालने में जुटी है। अब तक इस अपराध में बाबू मिलाप चौहान, उसकी पत्नी और साले को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं रावजी बाजार पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। जी, जो एक 420 का मामला थाना रावजी बाजार में पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति मिलाप चौहान जो कि बाबू था लेखा शाखा में, उसके द्वारा फ्रॉड किया गया था। लगभग 5.5 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया था। उसकी विवेचना हेतु डीसीपी साहब के द्वारा एक एसआईटी गठित की गई है, जिसमें जो अन्य मुख्य बिंदु हैं जिनकी अभी तक जांच नहीं हो पाई है, उन सारे बिंदुओं पर काम किया जाएगा और विवेचना जारी है। इसमें अन्य आरोपीगण की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। कितने आरोपी गिरफ्तार हैं, कितने फरार हैं? कुल अभी उसमें 29 आरोपी नामजद थे, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी अन्य को ढूंढा जा रहा है, तलाश जारी है। टीम में कौन कौन सर मिलाप के अलावा? मिलाप की गिरफ्तारी के अलावा उनकी पत्नी की और उनके साले की गिरफ्तारी हो चुकी है। अकाउंट्स जो इनके थे, बैंक अकाउंट्स, उनको सीज करके रखा गया है। उनके बैंक अकाउंट्स में कितनी राशि अभी जमा है, इसकी जानकारी निकाली जा रही है। इसके साथ साथ में उनके अन्य जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।